दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भाजपा हार गई। साथ लड़ रही जदयू, लोजपा का खाता तक नहीं खुला। बिहार के पॉलिटिकल पंडितों की त्वरित टिप्पणी है कि दिल्ली में भाजपा की हार ने बिहार में नीतीश कुमार की ताकत बढ़ा दी है। रामविलास पासवान भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। भाजपा को बिहार में अब हर बात नीतीश कुमार की कबूल करनी होगी। रामविलास पासवान के साथ चिराग पासवान को भी ठीक से साथ रखना होगा। आगे बिहार का ही चुनाव है। पहले झारखंड और अब दिल्ली में हार ने भाजपा को कमजोर सा कर दिया है। दिल्ली में जीतने को अमित शाह वोटरों तक पर्चा बांटने के लिए सड़क पर उतर आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपको मिली जीत पर टिप्पणी करते हुए पटना में नीतीश कुमार ने कह दिया कि जनता ही मालिक है। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि साथ होने के बाद भी जदयू लोजपा दिल्ली के नतीजे से भीतर भीतर खुश है। कारण है कि केजरीवाल हारते तो भाजपा आगे बिहार में जदयू लोजपा पर अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश करता, लेकिन अब यह संभव नहीं है। गठबंधन में बार्गेनिंग कैपेसिटी दिल्ली ने नीतीश कुमार रामविलास पासवान की किस्मत में शिफ्ट कर दिया है। अब इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है कि बिहार में सीटों के बंटवारे में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सहयोगी भाजपा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोजपा को भी सम्मानजनक सीटें देनी होगी। कारण कि भाजपा को पता है कि बगैर नीतीश कुमार बिहार में काम नहीं चलने वाला है और दही का जोड़न रामविलास पासवान है। जदयू अब सीटों के बंटवारे तक ही नहीं, चुनाव प्रचार और प्रबंधन में भी अपनी शर्तों को आगे रखेगा। बिहार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले चुनाव प्रचार के पक्षधार नीतीश कुमार नहीं होंगे। वे सदैव काम की बातें करते हैं, साथ में चुनाव के मूड में भी रहते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी बिहार इस बात का गवाह रहा है कि जब नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मंच पर उपस्थित रहे तो मोदी के नारों का शोर और पैटर्न बदल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज़।